सर देखिए कि 2-3 दिन से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप थोड़ा दूर जाकर देखेंगे आगे जो ये डंगे हैं, हमारे डांगे हैं, यहाँ से भी पत्थर गिरते हैं। जितने भी हमारे लोग यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी आपने शायद आते हुए देखा होगा, रास्ते में भी पत्थर गिरे हुए थे। तो सर 1.5 घंटा मुझे भी हो गया यहाँ पे खड़े हुए ऐसा देखते हुए। काफ़ी लोग, मतलब अभी एक बाइक सवार भी उधर स्किट हुआ है सर, मेरे सामने की बात है। वो अभी एक बाइक सवार स्किट हुआ है, बेचारे को उसको उठाकर हमने भेजा है अभी, लेकिन फिलहाल वो कोई चोटिल नहीं हुआ है। तो 2-3 दिन से ये जो पानी का स्तर है बहुत ज़्यादा है, बड़े उफान पे है इस टाइम मारकंडा नदी। 3-4 दिन से सर कंटिन्यू बारिश हो रही है और इससे प्रॉब्लम हो रही है, आने जाने में थोड़ी दिक्कत है सर, पर बारिश का होना भी थोड़ा ज़रूरी है। हाँ जी सर, नदी नालों का स्तर तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, काफ़ी दिन से पानी का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। सर देखिए कि 2-3 दिन से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप थोड़ा दूर जाकर देखेंगे आगे जो ये डंगे हैं, हमारे डांगे हैं, यहाँ से भी पत्थर गिरते हैं। जितने भी हमारे लोग यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी आपने शायद आते हुए देखा होगा, रास्ते में भी पत्थर गिरे हुए थे। तो सर 1.5 घंटा मुझे भी हो गया यहाँ पे खड़े हुए ऐसा देखते हुए। काफ़ी लोग, मतलब अभी एक बाइक सवार भी उधर स्किट हुआ है सर, मेरे सामने की बात है। वो अभी एक बाइक सवार स्किट हुआ है, बेचारे को उसको उठाकर हमने भेजा है अभी, लेकिन फिलहाल वो कोई चोटिल नहीं हुआ है। तो 2-3 दिन से ये जो पानी का स्तर है बहुत ज़्यादा है, बड़े उफान पे है इस टाइम मारकंडा नदी। तीन चार दिन से सर कंटिन्यू बारिश हो रही है और इससे प्रॉब्लम हो रही है, आने जाने में थोड़ी दिक्कत है सर, पर बारिश का होना भी थोड़ा ज़रूरी है। हाँ जी सर, नदी नालों का स्तर तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, काफ़ी दिन से पानी का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है।